क्या हो गाइस, आप लोग मतलब लिटरली इतना सारा प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देंगे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। मैं आप लोगों की फैन हो गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तेजस्वी और करण कुंद्रा की जो भी मैंने रील्स पोस्ट करी उन सब पे इतना ढेर सारा प्यार बरसाने के लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, वैसे प्लान्ड वीडियो नहीं है और ना मैंने सोचा था कि मैं ऐसी वीडियो कभी बनाऊंगी, पर आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस को देख के मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। काफी लोगों ने मुझे बहुत सारे डीएम्स आए गाइस, सीरियसली मैं अभी दिखाऊंगी कि कितने डीएम्स आए मुझे। मैंने एज मच एज आई कैन मैंने रिप्लाई करा है। काफी लोगों के सेम क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। मुझे लगा कि जैसे मैंने जो भी वीडियो या पिक्चर्स क्लिक करी है मैंने वो पोस्ट कर देती हूँ, तो मैंने वो पोस्ट करी, उसके बाद भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं भाई पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो मुझे लगा एक तो मुझे बताना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। उसके अलावा तेजस्वी और करण प्रकाश ने घर खरीदा है दुबई में, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा मेन सा टॉपिक है जो मुझे आपसे पूछना है, प्लीज मुझे उसका जवाब दे दो, जरूर जाना। तो बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। मेरे को यूजुअली मैं डैन्यूब के और भी काफी इवेंट्स में गई हूँ, लेकिन उस दिन मुझे एट ए टाइम शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट आया कि भाई आज ही शाम को इवेंट है और ऑफिस आवर्स चल रहे थे, तो मैं कंफ्यूज थी कि भाई क्या करूँ। फिर मैंने नीचे देखा, उसमें लिखा है सेलिब्रिटी गेस्ट तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुद्रा। आई एम लाइक यार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे इन्वाइट आया था। तो आई वॉज लाइक यहाँ तो मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। तो मैंने उन्हें मैसेज करा, गिव मी सम टाइम, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आऊंगी या नहीं। मैंने वो मैसेज अनसेंड कर दिया और मैंने लिखा मैं आऊंगी, मुझे नहीं पता था मैं कैसे जाऊंगी। तो वही मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ना चाहते हुए भी गई हूँ वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ तेजस्वी एंड करण कुंद्रा। तो डैन्यूब के ना पहले भी मैंने काफी इवेंट अटेंड करे और वो पहले ही बता देते कि भाई आपको इस दिन आना है, ये लॉन्च डे है एंड एवरीथिंग। तो हम लोग एडवांस में प्रिपेयर होते हैं, पर उस दिन ऐसा था। तो आई वॉज लाइक ओके चलते हैं, यहाँ पे मैं मिल लूंगी तेजस्वी एंड करण कुंद्रा से। पर जैसे ही मैं उस इवेंट में पहुंची, इतनी भीड़ एंड आई वॉज लाइक यहाँ नहीं मैं किसी से मिल पाऊंगी, बिकॉज इट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। वैसे तो डैन्यूब के सारे इवेंट वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, पर वो मतलब यू नो काफी सेग्रीगेटेड सेक्शंस थे, यहाँ पे कौन बैठेगा वहां कौन बैठेगा। तो एक तो वहां मैं डर गई। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जैसे ही जब इवेंट स्टार्ट हुआ और तेजस्वी और करण कुंद्रा ने एंट्री की, तो मैं कहाँ तक गई मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ। तो देखा आपने, मैं वहां तक गई। मैंने तेजस्वी से लिटरली पूछा कि क्या मैं आपके साथ पिक्चर ले सकती हूँ, और लाइक पीछे से मैं पूछ रही थी एंड शी सेड यस। तो पर जब मैंने अपने साइड्स में देखा, काफी लोग मुझे देख रहे थे कि सब लोग बैठे हैं, भाई मैडम क्या कर रही है बीच में खड़े होके। तो मैं वापस अपनी सीट पे जाके बैठ गई। तो ये तो एक पहला बैड एक्सपीरियंस ये रहा मेरा। उसके बाद सारा इवेंट हो गया, जब वो लोग लास्ट में जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चलने लगी। आई वॉज लाइक कि मेरे साथ मेरा बेटा भी गया था, तो आई वॉज लाइक कि भाई तुम मेरे को क्लिक कर लेना, मेरी पिक्चर्स ले लेना। एंड ही वॉज लाइक मुझे भी तो लेनी है, मेरी कौन लेगा। तो हमारे यहाँ तो पहले यही लड़ाई होने लगी कि भाई कौन किसकी पिक्चर्स लेगा। उसके बाद जब वो लोग बाहर निकले और एग्जिट करने लगे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखा आपने, तो हाँ मैं पीछे पीछे तक गई कि हम कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, फोटोज लेंगे या कोई वीडियो बना लेंगे। बहुत रश था, उसके बावजूद भी मतलब ये मैंने जो कुछ 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 क्लिक्स क्लिक किए या फिर पिक्चर्स या वीडियोस क्लिक करी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोग आगे तक गए, दे वेंट इन द वॉशरूम, और उसके पीछे भी जो पूरी भीड़। एंड देन हम लोग वापस बाहर आए। जब वो लोग बाहर आए तो हम सब ने रिक्वेस्ट करी एंड दे वर लाइक, मैं समझ सकती हूँ भाई तेजस्वी ने, इट वॉज हैवी आउटफिट और काफ़ी ऊँची हील्स पहनी हुई थी। बहुत अनकंफर्टेबल होता है बंदा, आई कैन फील इट गर्ल। तो उसको था कि थोड़ा जल्दी करो करण, मे भी उनका कोई और प्लान हो। सो बट स्टिल मैं मैनेज कर पाई और मैंने पिक्चर्स ले ली एनी हाउ। Yeah.
और मुझे बहुत खुशी हुई. यस आई एम अ फैन गर्ल. और मैंने बिग बॉस में करण कुंद्रा को और तेजस्वी प्रकाश को पूरा सपोर्ट करा है, पूरा सपोर्ट. दो आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस टू और अभी भी बिग बॉस 16 देख रही हूँ. आपका कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है? मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे कि हमने सिर्फ बिग बॉस 15 ही देखा है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सिर्फ हमने वही, हमारे लिए वही एक बिग बॉस का सीजन था. स्टिल जो नेक्स्ट है वो ये कि तेजस्वी और करण कुंद्रा को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन दोनों ने मिल के दुबई में घर खरीदा है. और मैंने काफी न्यूज में सुना कि उन्होंने लिखा है कि पाम जुमेरा पे घर खरीदा है. बट जिस लॉन्च में वो आए थे वो लॉन्च है एलाइट. एलाइट एक अपकमिंग कम्युनिटी है जो JVC, जहां मैं रहती हूँ यहीं बन रही है. JVC जुमेरा विलेज सर्कल. और मैंने एक इंटरव्यू में सुना तेजस्वी प्रकाश ने बोला कि अभी उन्होंने घर खरीदा है, अभी उस घर को बनने में 2 साल लगेंगे. और यही बात लॉन्च के टाइम पे भी बताई गई थी कि भाई एलाइट को बनने में 2 साल लगेंगे. अभी अगर आप सुनना चाहते हैं वो इंटरव्यू तो नेक्स्ट. 2 साल है तो नाउ आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम राइट. तो यस, अगर वो यही वाला घर है तो वो उन्होंने एलाइट का अपार्टमेंट खरीदा है, जहां पे करण कुंद्रा जो डमी की है उसे लेते हुए बोल रहे हैं भाई ये हमारा पहला घर है और हमने आधे घंटे में डिसाइड कर लिया कि हमें ये घर लेना है बिकॉज ऑफ उसकी एमिनिटीज एंड एवरीथिंग. यस, ये हो गया घर लेने की बात. और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. अगर आप करण के फैन है या तेजस्वी के फैन है, या फिर करण तेजस्वी मेरी तरह दोनों के फैन है, तेज रैन के फैन है, तो भाई मुझे ये बताओ, आप लोगों ने मुझे बड़े सारे मैसेज भेजे जब मैंने ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा. उन्होंने पूछा, आप लोगों ने ये पूछा कि ये एग्जिट की वीडियो है या एंट्री की वीडियो है, वो दोनों साथ आए थे या वो दोनों साथ गए थे. भाई ये क्वेश्चन मेरी समझ नहीं आया. आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है. अगर दोनों साथ इन्वाइटेड हैं और साथ ही आए तो साथ ही जाएंगे ना. मतलब मुझे समझ नहीं आया, लोग रील में ना कमेंट्स में लिख रहे हैं, मैं उन्हें क्या आंसर करूं. मैंने एक दो लोगों को आंसर भी कर दिया बट उनके क्वेश्चन ना बढ़े ही जा रहे थे, बढ़े ही जा रहे थे. तो ये चीज मुझे समझ नहीं आया. अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब यहां तक आपने मेरी वीडियो को देख लिया है और पुरानी भी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स भी देख सकते हैं. सो प्लीज डू लेट मी नो. तो बस आज की वीडियो में मैं यही कहना भी चाहती थी और यही पूछना भी चाहती थी. और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने मुझे अपना फैन बना लिया. मैं आपकी फैन हो गई हूँ लिटरली. मतलब ठीक है तेजस्वी और करण के आप फैन हो, मैं भी फैन हूँ, बट Guys, you guys are super awesome. Thank you so much for ये वीडियो को देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए. Thank you so much. ध्यान रखिए अपना. मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए रब रखा, डू सपोर्ट मी.